हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड मोटिवेशन इन हिंदी चैनल पर मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पतंजलि के सतावर चूर्ण को कैसे उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पतंजलि सतावर चूर्ण के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसको कैसे यूज करना है, लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, पतंजलि के सतावर चूर्ण को इसके ऊपर लिखी हुई रिकमेंडेशन के अनुसार आपको दूध के साथ इसको यूज करना है। गर्म दूध करके उसको फिर थोड़ा ठंडा होने दें, फिर उसके साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। 2 से 5 ग्राम आपको यूज करना है और दिन में आपको 2 बार पतंजलि के सतावर चूर्ण को उपयोग में लेना है। दोस्तों, अगर आप दूध के साथ इसको उपयोग में न लेना चाहे, अगर आपको दूध पीने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, तो फिर आप इसको गर्म ल्यूक वार्म वाटर के साथ आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। और दोस्तों, ध्यान रहे, पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पानी गुनगुना होना चाहिए। और आपको क्या करना है कि सीधा ही पतंजलि के सतावर चूर्ण को 1 चम्मच भर के सीधा मुंह में डालना है और फिर इसके ऊपर पानी पी लेना है, अगर आप पानी के साथ इसको यूज करना चाहते हैं। अगर आप दूध के साथ इसको यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि पतंजलि के सतावर चूर्ण को आपको पहले तो दूध को थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद इसको ठंडा होने दें, फिर इसको सतावर चूर्ण को दूध के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये चम्मच की साइज थोड़ी बड़ी बड़ी होने के कारण मैं उल्टा चम्मच से ही सतावर चूर्ण को निकाल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लगभग 1 टीस्पून के बराबर जो सतावर चूर्ण है उसको आपको दूध के अंदर डालना है और फिर दूध को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो चूर्ण है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। दोस्तों, सबसे बढ़िया जो मेथड है सतावर चूर्ण को उपयोग में करने का, वो दूध रहता है। और इसके ऊपर रिकमेंडेशन भी यही लिखी हुई है कि आप दूध के साथ इसको उपयोग में लें। तो दोस्तों, आपको ध्यान रहे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। पहले दूध को गर्म करना, फिर उसको ठंडा होने दें थोड़ा सा, और फिर अच्छी तरीके से इस सतावर चूर्ण को मिक्स करें। 2 से 5 ग्राम यूज करना है और दिन में 2 बार यूज करना है, और सीधा फिर इसको दूध के साथ मिक्स करके आसानी से आप पी सकते हैं। और पतंजलि सतावर चूर्ण के अगर आपको बेनिफिट्स देखने हैं तो मैं ऊपर कार्ड में लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पर जाकर आप सतावर से संबंधित बेनिफिट्स, इसको यूज कितने दिन करना है और इसके इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेंगे, इससे संबंधित वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि आप इसको कैसे यूज में ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करें। और इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल हेल्थ एंड मोटिवेशन इन हिंदी को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।